अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोरोना की जंग के बीच यूपी में सियासी जंग भी चरम पर देखने को मिल रही है। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के दावों पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और हर दावे की पोल खोल देते हैं। अखिलेश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और वो लगातार सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाते रहते हैं। कई अहम मुद्दों पर अखिलेश यादव राय देते हैं तो कई अहम मुद्दों पर अखिलेश यादव सरकार पर तंज भी कसते हैं, फिर चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मसला हो या फिर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का मामला हो। एक बार फिर यूपी के पूर्व प्रधान अखिलेश यादव ने सरकार के एक फैसले पर सवाल उठाते हुए सुधार का सुझाव दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के भत्तों और डीए वृद्धि पर रोक लगाने पर ऐतराज जताते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि इससे कर्मचारियों की घरेलू अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा होता सरकार अपनी फिजूल खर्ची रोककर नेक कामी दिखाने वाले बड़े बड़े विज्ञापनों पर रोक लगाती। भाजपा नेतृत्व तो इसमें क्यों हिचक रहा है? जारी बयान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रदेश में लाखों श्रमिक रोजगार की तलाश में आए हैं, इससे भी अधिक अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। ऐसी स्थिति में जब सब जगह से आवाज़ उठने लगी और समाजवादी पार्टी ने भी बार बार मांग उठाई तो सरकार उन्हें लाने के लिए तैयार हुई, लेकिन उनके खान पान आवास और इलाज आदि की पुख्ता व्यवस्था नहीं दिखी। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ये बंदोबस्त कराने होंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकारी सेवकों के डीए पर पाबंदी का फैसला सरकार तुरंत वापस ले। एक तरफ बिना अवकाश लिए अधिकारी कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेल कर सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक फैसला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लॉकडाउन होने के बावजूद अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुष्कर्म के बारे में टीम 11 बताए कि बच्चियों का जीवन और सम्मान सुरक्षित क्यों नहीं है। प्रतापगढ़ में 16 साल की नाबालिग युवती की हत्या, अलीगढ़ में किशोरी द्वारा आत्महत्या करने जैसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि क्या प्रदेश की अराजक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई दूसरी टीम 11 बनेगी। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए सरकार को गंभीर होने पर बल दिया। अखिलेश यादव के सतंज के बाद बीजेपी नेताओं की त्योरियां चढ़ गई हैं। सब सपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन खुलकर अब तक किसी ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।